नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नोशाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पुरानी और धुंधली फोटो को देखकर क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि काश ये फोटो भी बिल्कुल क्लियर और शार्प हो जाती। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कमाल का AI टूल, जिससे आप अपनी पुरानी धुंधली लो क्वालिटी की फोटोज को कुछ ही सेकेंड्स में हाई क्वालिटी और फुल HD में कन्वर्ट कर सकते हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 40DIG AI फोटो एनहांसर सॉफ्टवेयर की। बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है, इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। इससे आप अपनी किसी भी फोटो को, ब्लर फोटो है उसे आप अनब्लर कर सकते हो, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई लो क्वालिटी की फोटो है तो उसे आप हाई क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको इस सॉफ्टवेयर को अपने PC में इंस्टॉल करना होगा। इस सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सबसे पहले आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, आप 4DDigTenoShare.com की इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यहां पर आप देख सकते हैं 4DDig AI फोटो एनहांसर। यह सॉफ्टवेयर आपका विंडोज और मैक दोनों पर काम करता है। इसके अंदर तमाम तरह के फीचर्स आपको देखने मिल जाते हैं। पूरी तरह से AI पावर्ड सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड कर लेना है। यहां पर फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, फ्री डाउनलोड पर क्लिक करना है। अब यहां ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक कर देना है। अब कुछ ही सेकंड में यह सॉफ्टवेयर आपके PC पर इंस्टॉल हो जाएगा। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। 4DDig फाइल रिपेयर, इसमें आपको वीडियो रिपेयर का ऑप्शन भी मिल जाता है, फाइल रिपेयर का ऑप्शन मिल जाता है, फोटो रिपेयर का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे AI एनहांसर की। AI एनहांसर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक वीडियो एनहांसर, दूसरा फोटो एनहांसर। इसके अलावा इसमें आपको AI एक्सपेंड इमेज का ऑप्शन भी मिल जाता है, वीडियो कलराइज का ऑप्शन मिल जाता है और फोटो कलराइजर का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर हम फोटो एनहांसर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जिस फोटो की क्वालिटी को हम एनहांस करना चाहते हैं वो फोटो हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी। ऐड फोटोज का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आप सिंगल इमेज भी ऐड कर सकते हो और मल्टीपल इमेजेस भी ऐड कर सकते हो। ऐड फोटोज पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से मान लो ये वाली फोटो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारी ये फोटो ऐड हो चुकी है। मैं इसे थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, काफी ब्लर फोटो है, क्लियर नहीं आ रही है। अब इसकी क्वालिटी को हम एनहांस करेंगे इस सॉफ्टवेयर की मदद से। इस साइड आप देखोगे यहाँ पर AI मॉडल्स दिए गए हैं, जनरल मॉडल, फेस मॉडल, डीनॉइज मॉडल। सबसे पहला मॉडल है जनरल मॉडल। इसमें आप जो लैंडस्केप इमेजेस होती हैं या फिर किसी एनिमल की कोई इमेज है, कोई ऑब्जेक्ट की इमेज है, इस तरह की इमेजेस को आप यहाँ पर उनकी क्वालिटी को एनहांस कर सकते हो जनरल मॉडल से। इसके बाद ऑप्शन आता है फेस मॉडल का। फेस मॉडल में अगर आपकी कोई इमेज है, जैसे मेरी ये फोटो है, इसे मैं इंप्रूव करना चाहता हूँ, इसकी क्वालिटी को एनहांस करना चाहता हूँ, तो इस तरह की फोटो को हम यहाँ पर फेस मॉडल के अंदर कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है डीनॉइज मॉडल। डीनॉइज मॉडल में अगर आपकी कोई ऐसी इमेज है जिसमें ग्रेन ज्यादा हो रखे हैं या फिर नॉइज आ रखा है, तो उसको आप यहां पर इंप्रूव कर सकते हो। तो हमारी ये वाली जो फोटो है इसमें फेस मॉडल यूज होगा, क्योंकि यहां पर हमारा फेस दिखाई दे रहा है। तो मैं यहां पर सिलेक्ट करूंगा फेस मॉडल। सबसे पहले मैंने यहाँ पर फेस मॉडल सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से हम इसके रेजोल्यूशन को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये 4K रेजोल्यूशन है, इसके अलावा 8K रेजोल्यूशन भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर X2 सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद AI एनहांस का ऑप्शन आ रहा है, सॉफ्टन रखना है, शार्पन रखना है, तो उसे भी आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर एनहांस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एनहांस पर क्लिक करोगे, आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। साइड आप इसकी प्रोग्रेस देख सकते हो, 29%, 30%। अगर आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होगा तो ये काम जल्दी हो जाएगा। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन अगर लो है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर अब आप इस सॉफ्टवेयर का कमाल देख सकते हो। ये थी हमारी ओरिजिनल फोटो और प्रोसेस होने के बाद ये फोटो इस तरह की हो गई है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो उससे आपको पता लगेगा। ये देखिए, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो ये हमारी ओरिजिनल फोटो थी और ये हमारी एनहांस होने के बाद ये फोटो ऐसी हो गई है। तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रूव हो चुकी है। पहले ये 1080x1080p में थी, अब ये 2160x2160 में ये हो गई है, यानी 4K में हमारी इमेज कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारी इमेज काफ़ी ब्लर हो रखी थी, अब ये पूरी तरह से क्लियर इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप इसका प्रीव्यू देख सकते हो और आपको लगता है कि हाँ, आपको प्रॉपर
रिजल्ट मिल गया है तो उसके बाद सिंपल यहाँ पर आपको सेव के बटन पर क्लिक कर देना है और सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करूंगा तो ये फाइल अब हमारे पीसी में सेव हो जाएगी। ये फोटो हमारे पीसी में सेव हो चुकी है। ओपन फोल्डर पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कैसी इमेज क्वालिटी यहाँ पर आ रही है। तो ये फोटो आप देख सकते हो, इसे मैं ओपन करता हूँ तो काफी एनहांस हो चुकी है, बेहतरीन क्वालिटी की इमेज हमें यहाँ पर मिल चुकी है। अब मैं एक दूसरी इमेज यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ऐड फोटोज पर क्लिक करेंगे, ये वाली इमेज सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, उसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। इमेज हमारी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो इस इमेज की क्वालिटी काफ़ी पुअर है। तो इस इमेज की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए हम जनरल मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। जनरल मॉडल यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, रेजोल्यूशन ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद एआई एनहांस में ऑप्शन आ रहा है क्वालिटी फर्स्ट और स्पीड फर्स्ट। अगर आपको ज़्यादा जल्दी चाहिए तो स्पीड फर्स्ट पर रख सकते हो और क्वालिटी बढ़िया चाहिए तो क्वालिटी फर्स्ट पर आप रख सकते हो। सिंपल एनहांस पर क्लिक कर देंगे। अब कुछ ही सेकेंड में ये फोटो हमारी हाई क्वालिटी फोटो में कन्वर्ट हो जाएगी। प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा सा जूम करके देखते हैं इमेज का रिजल्ट, आप साफ साफ देख सकते हो ये हमारी ओरिजिनल इमेज थी और यहाँ पर इम्प्रूव होने के बाद इमेज क्वालिटी कुछ ऐसी हो चुकी है। और भी जूम करके देखोगे तो आपको साफ साफ यहाँ पर पता लगेगा ये है हमारी पहले वाली फोटो और ये है इम्प्रूव होने के बाद। उसके बाद सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ हमने जनरल मॉडल भी चेक करके देख लिया, फेस मॉडल भी चेक करके देख लिया, अब हम डी नॉइज मॉडल भी चेक करके देखेंगे। एक इमेज हम यहाँ पर और ऐड करेंगे, इसे मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ और एक अलग इमेज मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। ऐड फोटोज पर क्लिक करेंगे तो ये फोटो हमारी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ। डी नॉइज मॉडल सिलेक्ट करेंगे, क्वालिटी हमारी यही रहेगी, एनहांस पर क्लिक कर देंगे। प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप फिर से देख सकते हो वही सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हो और रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही कमाल का फीचर और भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है। अगर आपकी कोई पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है उसे आप कलर फोटो में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको वापस जाना होगा, होम पर क्लिक करना है। जैसे आप होम पर वापस जाओगे तो यहां आप देख रहे हो यहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फोटो कलराइजर। आपको फोटो कलराइजर को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ऐड फोटो पर क्लिक करना है। मान लो ये वाली फोटो मैं यहां से ले लेता हूं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, ओपन पर क्लिक करूंगा, इसे हम कलर करेंगे। तो यहां आप देख रहे हो इसके अंदर एक एआई मॉडल दिया गया है, कलराइज मॉडल। उसके बाद रेजोल्यूशन इसका 1080x1080 है और एआई कलराइज, इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, ओल्ड फोटो और ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। अगर आपकी ओल्ड फोटो है तो ओल्ड फोटो सिलेक्ट कर लो और ब्लैक एंड व्हाइट फोटो सिलेक्ट करना चाहो वो कर लो। तो मैं यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद सिंपल आपको कलराइज पर क्लिक कर देना है, बाकी सारा काम ये सॉफ्टवेयर बहुत ही आसानी से कर देता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमें शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये देखिए पहले इसकी क्वालिटी 1080x1080p थी, अब ये 2160x2160 हो चुकी है और यहाँ पर कलर इफेक्ट भी आपको देखने को मिल रहा है। पहले ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज थी, अब ये कलर इमेज में कन्वर्ट हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी पुरानी धुंधली लो क्वालिटी की फोटोज को हाई क्वालिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 4DDig AI फोटो एनहांसर को जरूर ट्राई करके देखो। ये एक पेड सॉफ्टवेयर है लेकिन इसका फ्री ट्रायल आपको देखने को मिल जाता है, तो फ्री में इसे डाउनलोड करो, इस्तेमाल करो और अगर आपको इसके रिजल्ट अच्छे लगते हैं तो आप इसका प्रीमियम वर्जन बाय कर सकते हो। यहां पर आपको इनके सारे प्लान्स देखने को मिल जाएंगे, मंथली प्लान मिलता है, लाइफ टाइम प्लान मिलता है, जो भी आपको सही लग रहा हो वो आप यहां से बाय कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।